नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आज की हमारी रेसिपी है गेहूं के आटे से बने हुए हेल्दी और पौष्टिक लड्डू। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं और बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है। कभी भी आप इन्हें बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो चलिए फिर इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर ली है एक कढ़ाई और उसमें डाला है 2 कप गेहूँ का आटा। गेहूँ के आटे के बाद में हमने यहाँ पर डाली है 2 चम्मच सूजी और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है बेसन। ये टेबल स्पून है फ्रेंड्स। तो 2 कप गेहूँ का आटा और इस तरह से आप मेजरमेंट जो है वो आप देख लीजिएगा। तो इन सभी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है फ्रेंड्स। जब भी आप लड्डू बनाते हैं तो गेहूँ के आटे से बनाते हैं और काफ़ी टेस्टी भी होते हैं, पर एक बार आप इन्हें बेसन डालकर बनाइए। 2 चम्मच के करीब बेसन डालिए और फिर देखिए इनका टेस्ट किस तरह से बदलता है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाते हैं। और कभी भी जब भी आप बनाएं तो इसमें सूजी भी ज़रूर डालें, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को बढ़ा देती हैं और काफ़ी दानेदार बन जाती है। तो इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे 3 चम्मच घी। घी हमने यहाँ पर 1 कप लिया है, अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम और डाल देंगे। वैसे यहाँ पर मैंने देसी घी यूज़ किया है, आप चाहें तो डालडा भी यूज़ कर सकते हैं, पर तेल बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। तो इसके बाद में ये देखिए हमने इसे भून लिया है और अच्छी अच्छी खुशबू भी आने लगी है इसमें से, और इस तरह से हमें इसे थोड़ा सा और भूनना है। तो ये देखिए इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है, थोड़ा सा गोल्डन कलर आ गया इसमें से और घी भी थोड़ा सेपरेट होने लगा है। घी हमने इसमें 3 चम्मच डाला था, बस उतना ही घी हमें पूरा हो गया है। तो अब हम इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे और इसमें डालेंगे 4 चम्मच के करीब चीनी। बूरा चीनी मैंने यहाँ पर नहीं ली है, अगर आपके पास बूरा चीनी है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने सिंपल चीनी को मिक्सी में पीस लिया था और फिर 4 चम्मच चीनी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। अगर कप से नापेंगे तो 1/2 कप के करीब चीनी है, यानी कि 2 चम्मच बड़े वाले यहाँ पर चीनी है और छोटे चम्मच ये 4 चम्मच है। तो अब इसके बाद में हम यहाँ पर डालेंगे जायफल। जायफल को मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है थोड़ा सा। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर कभी भी आप लड्डू बनाएं तो फ्रेंड्स एक बार जायफल ज़रूर डालिएगा इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। क्योंकि जायफल जो है वो हलवाई लोग जो हैं वो जायफल ही डालते हैं, तो आप भी एक बार जायफल डाल के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। और बस इसे मिक्स करके इस तरह के इसे लड्डू बना लेने हैं। तो ये लड्डू देखिए किस तरह से बन रहे हैं, गोल गोल बिल्कुल। तो छोटे बड़े जैसे भी आप साइज़ के बनाना चाहें वैसे लड्डू आप बना सकते हैं। और कितने जल्दी ये लड्डू देखिए बनकर तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मुझे आपकी हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है, हेल्प नहीं मुझे सिर्फ आपके लाइक की ज़रूरत है और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, ये मेरी सबसे बड़ी हेल्प होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली रेसिपी पे। थैंक यू।